तो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है सभी का मेरे चैनल में स्नूकर हिंदी में। और यहाँ भी हम देख रहे हैं शंघाई मास्टर 2023 का फाइनल, जो कि खेला जा रहा है रॉनी ओसुलिवन और लुका ब्रसेल के बीच में। ये देख रहे हैं हम थर्ड फ्रेम, और इसमें हम दो फ्रेम देखेंगे, थर्ड एंड फोर। तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि पहले यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ी एक एक की बराबरी पर खेल रहे हैं, और यहाँ पर शायद चूक हो गई रॉनी ओसुलिवन से। क्या इसका फ़ायदा उठा पाएंगे लुका ब्रसेल, क्योंकि काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं। और यहाँ पर पहला पॉइंट खेलते हुए बहुत अच्छा तरीके से प्लेस के साथ खेलते हैं लुका ब्रसेल। व्हाट अ लवली शॉट, व्हाट अ लवली शॉट। यहाँ पर देख रहे हैं ब्लू को लॉन्ग में पोर्ट कराया रिवर्स के साथ, ये बहुत ही अमेजिंग शॉट था। लवली शॉट। तो यहाँ पर अभी लुका ब्रसेल का खाता खुल चुका है, और काफी अच्छे से खुला है। और ये हम देख रहे हैं थर्ड फ्रेम, इसके बाद फोर्थ फ्रेम भी इसी में देखेंगे, देन उसके बाद आगे के फ्रेम भी मैं अपलोड करता रहूँगा। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। और बहुत अच्छा फॉलो थ्रू है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी। ये देखिए उतना ही अच्छा फिर से फॉलो के साथ रेड को ओपन किया। बहुत अच्छी क्यू कंट्रोलिंग यहाँ पर। ट्वेंटी नाइन का अभी तक ब्रेक कर चुके हैं। रोनी को टक्कर देने के लिए काफ़ी है इतना जो गेम है उनका, जिस प्रकार से खेल रहे हैं। फाइनल गेम है, और यहाँ पर मिस कर गए। यहाँ पर फाउल, क्यू बॉल का पॉट हो गया। सेफ्टी देना चाहते थे बट यहाँ पर क्यू बॉल पॉट हो गया है। और अभी तक रॉनी ओसुलिवन के, अब यहाँ पर पहला पॉइंट लेते हुए, बट यहाँ पर इतनी अच्छी प्लेसिंग आई नहीं जितनी अच्छी वो चाह रहे थे। ओ यहाँ पर रॉनी भी बचे थोड़ा सा। बहुत ही कमाल का ये शॉट, बहुत ही कमाल का। ब्लैक आपके दूसरा मौका यहाँ पर लुका ब्रसेल को मिल पाएगा या नहीं, लेट्स सी ये फ्रेम कौन विन करता है, क्योंकि अभी दोनों ही एक एक फ्रेम जीत चुके हैं। थर्ड फ्रेम अभी हम देख रहे हैं, इसके बाद फोर्थ फ्रेम देखेंगे। एक बार आप लोगों को फिर से बता दूंगा, शंघाई मास्टर का फाइनल है 2023, जो कि खेला जा रहा है लुका ब्रसेल वर्सेस रॉनी ओसुलिवन के बीच में।
और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहा यार, सब्सक्राइब करते हुए जाओ यार। और वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अच्छा रिवर्स यहाँ पर, बहुत ही कमाल के शॉट्स। यहाँ पर लीड ले लिए, क्या ये फ्रेम फिनिश कर पाएंगे यहाँ पर रोनी? थोड़ा सा यहाँ पर अब बाकी के रेट्स जो रेट पड़े हैं वो यहाँ पर बहुत अच्छी कोशिश थी उन रेट्स को ओपन करने की, बट आई थिंक वो कर नहीं पाए रोनी। तो यहाँ पर उन्होंने सेफ्टी शॉट दिया है, सेफ कराया लुका ब्रेसिल को। आई थिंक ये तो इजी होगा रोनी के लिए। जी हाँ, ये काफ़ी इजी होने वाला था रोनी के लिए। बहुत अच्छी प्लेसिंग लास्ट रेड की, जो कि एक लास्ट रेड बचा है। क्यू बॉल क्यू बॉल क्यू बॉल, यहाँ पर क्यू बॉल का फाउल हो चुका है। लुका ब्रेसिल अभी भी इस फ्रेम में बने हुए और बने हुए रहना चाह रहा है। लेकिन 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 रॉनी ओसुलिवन इतना किसी को भी मौका नहीं देते हैं। और थर्ड फ्रेम जीत चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर शंघाई मास्टर 3-2 से थर्ड फ्रेम जीत चुके हैं यहाँ पर रोनी ओसुलिवन। अब हम देख रहे हैं फोर्थ फ्रेम। तो थर्ड फ्रेम हमने देखा कि किस प्रकार से जीता है सेकंड फ्रेम रॉनी ने, और एक जीता है यहाँ पर लुका ब्रेसिल ने। ओ यहाँ पर फाउल, अब क्या ये फ्रेम लुका ब्रेसिल जीत पाएंगे, क्या बराबरी कर पाएंगे 2-2 की? देखते हैं इस फ्रेम में आगे क्या होने वाला है।
फोर्थ फ्रेम है ये और बहुत अच्छा शॉट इस बीच। और एक और लवली शॉट, 21 का ब्रेक यहाँ पर कर दिया है कंप्लीट। और यहाँ पर स्नूक लगाया ऑलमोस्ट पोर्ट हो ही गई थी, मुझे समझ नहीं आया ये स्नूक बचाया था या फिर रेट को पोर्ट करा रहे थे यहाँ पर रॉनी ओसलेवन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है उन्हें। आई थिंक वो 16 ईयर्स ओल्ड थे जब उन्होंने स्नूकर की दुनिया में कदम रखा एंड आज तक खेल रहे हैं। सो ही हैड लॉट्स ऑफ नॉलेज, लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस। और ब्लू यहाँ पर ब्लू पॉट कराई तो क्या लगता है गाइस, यहाँ पर ये फ्रेम जीत कर लुका ब्रेसेल यहाँ पर दो दो की बराबरी हो जाएगी, या फिर अभी यहाँ पर यहाँ से कोई चूक करेंगे लुका ब्रेसेल। और देखिए मैंने बात ही की थी और यहाँ पर गलती कर बैठे यहाँ पर लुका ब्रेसेल। अब कितनी महंगी पड़ेगी ने ये गलती, देखते हैं। और मुझे लगता है यहाँ पर लुका ब्रेसेल की जो गलती हुई ब्लैक पॉट कराते हुए, आई थिंक उसकी वजह से ये फ्रेम से भी उन्हें हाथ धोना पड़ेगा जो कि जीत रहे थे, क्योंकि रॉनी ओसुलेवान ज़्यादातर ज़्यादा मौके नहीं देते। ये देखिए बहुत बेहतरीन शॉट यहाँ पर, बहुत कमी किसी को मौके देते हैं। ओह और एक मौका और मिला यहाँ पर लुका ब्रेसेल को, तो अब क्या ये फ्रेम विन कर पाएंगे लुका ब्रेसेल? यहाँ लुका ब्रेसेल भी दूसरी गलती कर बैठे। काफ़ी अच्छा मौका था लुका ब्रेसेल का यहाँ पर ये फ्रेम विन करने का, बट एक बार फिर से गलती कर बैठे लुका ब्रेसेल, जिसका भी फायदा उठा रहे हैं रॉनी। What about his courses? What about his courses?
showing this black and showing this black. Yeah, it was awkward, wasn't it? That yellow was just a yellow was just or obstacle for his cue arms, obstacle for his cue arms. बहुत कम में ऐसे चांस होते हैं जहाँ पर रॉनी सुलेमान इतने मिस शॉट कर जाए, और इसी बीच में यहाँ पर बहुत अच्छा शॉट लुका ब्रेसल का. काफ़ी बेहतरीन कट खेला है. और बढ़िया, बहुत बढ़िया प्लेसिंग, थोड़ी सी कमी रह गई इसमें. राइट को यहाँ से ओपन करना चाह रहे थे बट और बहुत अच्छा स्नूप, बहुत अच्छा स्नूप यहाँ पर. और उतना ही अच्छा यहाँ पर स्नूप तोड़ा है. यहाँ पर मिस कर गए लुका ब्रेसल, फाउल नहीं खेल पाए, स्नूप नहीं तोड़ पाए और यहाँ फिर मिस कर गए. रेड को ओपन नहीं कर पा रहे हैं. टू टाइम मिस कर गए. ओह माय गॉड, यहाँ पर लुका ब्रेसल यहाँ पर पूरी तरह से अनबैलेंस होते हुए. अनबैलेंस मींस के थोड़े से अंडर प्रेशर आ चुके हैं, क्योंकि हाँ आई थिंक थर्ड फ्रेम भी लूज कर जाएंगे अगर ऐसा खेलेंगे तो. और यहाँ पर कर ही गए ऑलमोस्ट यहाँ पर. हाँ 67 पॉइंट्स हो चुके हैं अभी. और बहुत अच्छा ग्रीन ब्राउन की प्लेसिंग के साथ. और यहाँ पर थर्ड फ्रेम भी विन कर जाएंगे. तीसरा फ्रेम यहाँ पर, जो कि लुका ब्रेसल के पास काफ़ी अच्छे चांस मिले थे, अच्छे मौके मिले थे, लेकिन उन मौक़ों को छोड़ दिया. और यहाँ पर तीसरा फ्रेम भी जीतते हुए. अब मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेम में 5 एंड 6.